मौसी क्या हो गया? बात करें मौसी, मौसी देखे ना क्या हो गया मेरी मौसी को। मौसी अब बात करें ना, शायद आपसे बात करें। मौसी मौसी, अगर मेरी मौसी को कुछ हो गया मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। क्या जरूरत थी आपको ये खबर सुनाने की आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे? क्या बिगड़ जाता आपका? माफी ही चाहिए थी ना, माफ कर देती मौसी, मगर कोई आज तो बाकी रहती इनके जीने के लिए। किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं आपसे यह बात छुपा नहीं सकता था कि डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी तबीयत ठीक है? वो लड़का अभी तक घर में ही है। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने जरूरत महसूस नहीं की। वो मधु जी से मिलने आया था और मधु जी के कमरे में है इस वक्त। मधु जी बहुत ही सादा औरत है, उन्हें कोई भी आसानी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुझे तो यह डर है कि कहीं खुद मधु जी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मधु जी उसे पहचान चुकी है। झूठ बोल रहा है वो लड़का। वो लड़का उम्र में इतना है ही नहीं कि मधु जी का उससे कोई संबंध हो। के बहुत से अपने बंटवारे में मारे गए, सिर्फ एक उनका अपना था जिससे उनकी शादी होनी थी, वो पाकिस्तान फरार हो गया। इस उम्र का कोई भी लड़का पाकिस्तान में मधु जी का अपना हो ही नहीं सकता। ये उसी शख्स का बेटा है पिताजी जिससे मधु जी की शादी होनी थी। क्या मतलब? किसने बताया ये सब? करण ने। करण और निर्मलता उसे मधु जी से मिलवाने के लिए एनेक्सी में ले गए थे। करण के सामने ही उसने मधु जी को अपने बारे में बताया। क्या तुम्हें पता है कि वो शख्स कौन था जिसकी मधु जी से शादी होनी थी और वो एक रात पहले उन्हें छोड़कर फरार हो गया था पाकिस्तान? मुझे कुछ याद नहीं, सुना तो था कभी कुछ पिताजी, मगर याद नहीं आ रहा। हैदर सुल्तान का बेटा है वो, हैदर सुल्तान का। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए उन्हें हमारे बीच से गए। आप जब तक इंतजार कर रही थी वो जिंदा थे और शायद आपके इंतजार के साथ ही जुड़े हुए थे। जिंदगी में कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अजीब सा कर्व रहता था उनके चेहरे पर। बैठे भी होते थे तो लगता था जैसे यहां मौजूद ना हो। आवाज दी जाती तो ऐसे लगता जैसे गहरे ख्याल से चौंक पड़े। ना वो कभी मां से मोहब्बत कर सके, नहीं मां कौन से कभी मोहब्बत हो सके। इतनी अजनबियत थी दोनों में के उनके मरने पर मां की आंख में एक आंसू भी नहीं था। लेकिन आज आपके आंसू देखकर मुझे लग रहा है कि वाकई डैडी का कोई अपना था जो उनकी मां पर आंसू बहा सकता था। नहीं पता
बिजनेसमैन हो, तुम्हें इन मामलात का कुछ नहीं पता। लेकिन पूछ तो सकता हूं पिताजी कि यह हैदर सुल्तान कौन है? वो इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट पर है। यहां से भागा था वो। 71 की वॉर के बाद उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। जब यहां पर हंगामे शुरू हुए तो वो पाकिस्तान भाग गया। इंडियन होम मिनिस्ट्री की फाइल्स में वो 20 साल तक वांटेड रहा। हैदर सुल्तान का बेटा इस वक्त हमारे घर में घुसा बैठा है। तुम समझ नहीं सकते ये कितना सेंसिटिव मामला है। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो आपने मधु जी को इस घर में रहने की इजाजत क्यों दी? और वो भी इस घर का एक खास फर्द बनाकर, और इस हद तक कि हमारे बच्चों, खासतौर पर निर्मलता की तो परवरिश उन्होंने ही की। निर्मलता के लिए तो मधु जी शायद हम मां बाप से भी बढ़कर हैं। मधु जी की बात कुछ और है। हैदर सुल्तान ने मधु जी को भी धोखा ही दिया था। उसके छोड़कर चले जाने के बाद मधु जी ने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। तेरी मां की वो बचपन की सहेली थी, वही उन्हें अपने घर ले आई थी। हम मरते वक्त उसी ने मधु जी का हाथ मेरे हाथ में देखकर जिंदगी भर उनका ख्याल रखने का वचन लिया था। मेरे लिए मधु जी इस घर में तुम्हारी मां की छोड़ी हुई अमानत है। जब तक मेरी सांसें हैं वो इसी घर में इसी इज्जत के साथ रहेंगी जिसका उन्हें तुम्हारी मां ने रखा था। मेरे मरने के बाद अगर अगर समझ सको तो उन्हें मेरी अमानत समझना। जिस मधु जी को आप मेरी मां की अमानत कह रहे हैं पिताजी, ये लड़का उन्हीं से मिलने आया है। ये लड़का किसी का भी बेटा हो पिताजी, मगर हो सकता है इससे मिलकर मधु जी की जीवन भर की बेचैनी को जरा सा चैन आ जाए। वो लड़का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिताजी। इस वक्त हवेली के चारों ओर हमारे गार्ड्स अलर्ट हैं। उसकी जरा सी भी हरकत उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आप आराम से जाकर सो जाइए पिताजी, बहुत रात हो गई है। मैं जाग रहा हूं तब तक जब तक वो लड़का इस घर में है। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। ठीक है, मगर कोशिश करना कि सुबह से पहले पहले वो लड़का यहां से निकल जाए। पाकिस्तान में उनकी मौत पर आंसू बहाने वालों की कमी नहीं थी, मगर ऐसे आंसू जो जो आज आपकी आंखों में मैंने किसी और की आंख में उतरते हुए नहीं देखे। शायद इंसान अपने लिए ऐसे ही एक आंसू किसी की आंख में देखने को तरसता रहता है। हैदर सुल्तान का बेटा इस वक्त हमारे घर में घुसा बैठा है। तुम समझ नहीं सकते ये कितना सेंसिटिव मामला है। यस सर। सब कान खोल के सुन लो, से कोई भी गार्ड अपनी पोजीशन से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटेगा। सब अपनी अपनी पोजीशन पर है सर। गेट पर जो गार्ड्स खड़े हैं उनसे भी कह दो कि सब अलर्ट रहे। जी सर। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। करण, तुम्हारा जरूरी बात करनी है। Thank you.
ठीक तो है पिताजी? सॉरी मैंने तुम लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन यह बात मैं तुम्हें इंटरकॉम पे नहीं बता सकता था। क्या बात है पिताजी? इस वक्त हमारे घर में एक अजनबी पाकिस्तानी घुसा बैठा है, और तुम उसे मधु जी के हवाले करके गहरी नींद सो रहे। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए था करण, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो। लेकिन वो तो मधु मौसी का रिश्तेदार है पिताजी। जो कोई भी हो करण, लेकिन वो एक पाकिस्तानी है। ये ठीक है कि हमें उसके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपने घर में बिठाकर खुद आंखें बंद करके सो जाएं। करण, तुम जानते हो कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूं। अगर जिंदगी रही और दोनों मुल्कों के हालात ठीक रहे तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अल्लाह खुदा हाफिज। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जीते रहो। थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। मेरा फर्ज था, मधु मौसी का बड़ा अधिकार है मुझ पर। एनीवेज मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या आपका यूं मदद करना? हो सके तो जिंदगी में कभी कभी मधु मौसी की खबर ले लिया कीजिए। मैं यहां पहली और आखिरी बार नहीं आया, अब मैं आता रहूंगा अगर बॉर्डर्स खुले रहे तो। बॉर्डर्स का तो कुछ पता नहीं, भगवान करे खुले रहे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी कहिए। अगर सरहदें फिर बंद हो गई और मैं ना आ सका तो मधु मौसी की खबर आप मुझे देती रहेंगी। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस उन्हें दे दिया है, अगर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहा तो आप ही मेरी मदद कर सकती हैं शायद। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना मधु मौसी के लिए। चलता हूं, मेरी तरफ से सबको शुक्रिया कहिएगा। जरूर। उसको बुला।
जो हो गया सो हो गया, मगर आइंदा तुम सब एहतियात करना, खासतौर पर तुम करण, तुम्हें आने वाले चुनाव में खड़ा होना है। मैं तुम्हें जनता के सामने एक नए लीडर के रूप में ले जाना चाहता हूं, जिस पर जनता को ऐसा ही अंधा विश्वास हो जैसा मुझ पर रहा है। तुम्हें पता है, मैं अगर दिन के वक्त जनता को कह दूं कि यह रात है, तो वो एक जुबान होकर कहेंगे कि हां यह रात है। मगर इससे पहले जनता के सामने कुछ प्रूफ करना होता है। एक बात याद रखना, जनता जितनी अंधी होती है उतनी ही तेज उसकी निगाह होती है। एक तरफ दिन और रात की पहचान नहीं रहती उसे, मगर दूसरी तरफ वो लीडर के घर के अंदर, उसके बेडरूम तक वो सब कुछ देख लेती है, जिसके लिए लीडर को यह गुमान होता है कि भगवान ने भी उसे नहीं देखा होगा। ऐसे ही होगा ग्रैंडपा, जैसा आप चाहते हैं। लेकिन मैं अब भी यही सुनना चाहता हूं कि उस लड़के की मधु जी से क्या बात हुई है। तुम वहीं थे ना उस वक्त? सॉरी ग्रैंडपा, मैं ज्यादा देर अंदर नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मधु मौसी ने उस लड़के को पहचान लिया था। निर्मलता वहां थी मधु मौसी के साथ। निर्मल, मुझे कुछ कहा ना? तो एलेक्सी में मधु मौसी के साथ थी जब वो लड़का वहां था? जी। क्या आवश्यकता थी वहां रुकने की? कोई गड़बड़ हो जाती तो? वो लड़का तो शायद रात भर एलेक्सी में था, अभी सुबह ही गया है। क्यों नहीं? जी, सुबह हो गई थी उसे निकलते निकलते। और तू रात भर वहीं थी? हाँ ना। सकता हूं मधु जी? मधु जी, आप रो रही हैं मधु जी? रो रही है मधु जी? हैदर सुल्तान का बेटा आया था ना उनसे मिलने? हैदर सुल्तान अब नहीं रहा भाई साहब। ओ, कब हुआ ऐसा? अभी अभी कुछ ही दिन पहले तो पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, उस पर हैदर सुल्तान ने सिग्नेचर की है। अभी कुछ दिन ही हुए। भगवान ने जो करना होता है वो ही करता है, वो ना किसी की मर्जी पूछता है उससे और ना ही किसी का इंतजार करता है। एक इल्तिजा है भाई साहब। पाकिस्तान जाना चाहती हैं? अब पाकिस्तान जाके क्या करना है मुझे भाई साहब? रेहान को चंद दिन मेरे साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। समझिए कि केसर की सहेली आपसे भीख मांग रही है, बस चंद दिन। जिस होटल में ठहरा हुआ है मेरे पास उसका पता है, उसे आजकल में जाना है। आप इजाजत दे देंगे तो मैं उसे रोक लूंगी। चंद दिन मेरी आंखों के सामने रहेगा तो जैसे मेरी परसों की तड़पती हुई रूह को करार आ जाएगा। वो आया तो मैंने उसे दिल भर के देखा भी नहीं।
पहले दिल को यकीन ही नहीं आया कि वो हैदर सुल्तान का खून है। दिल को यकीन आया तो आंखों ने आंसुओं के पीछे से उसे ठीक तरह से देखा भी नहीं। अब दिल को ऐसा लग रहा है कि वो आया भी था कि नहीं। आंखों को ऐसा लग रहा है कि उसे देखा भी था कि नहीं। सर की सहेली के पल्लू में ये थोड़ी सी भीख डालेंगे ना भाई साहब? जिस रात केसर आपको यहां लेकर आई थी उस रात उसने मुझसे कहा था सहेली है, ये आपसे जिंदगी में चांद भी मांगे ना तो इनकार नहीं करना। एक कोशिश जरूर करनी है, चाहे कभी किसी को चांद ना ही मिला हो। आपने तो